टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसी क्रम में सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलाया गया था। पूरे जनपद में ये कार्यक्रम आशा कार्यकर्त्रियों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया गया था, जिसमें लगभग 125 पॉजिटिव मरीज निकले हैं और सभी मरीजों का उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। इसी के चलते 24 मार्च को क्षय रोगी दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें समाजसेवी संस्थाएं, राज्य कर्मचारी एवं सभी विभागों से अधिकारी एवं कर्मचारी की भाग भी लेंगे और टीबी मरीजों को खाने पीने का सामान भी वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आशा कार्यकर्त्रियों के द्वारा विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे और कैंप के माध्यम से ऐसे मरीजों का सर्वे किया जाएगा जिनकी टीबी के लक्षण उत्पन्न हो रहे हों। यह माध्यम से ऐसे कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा और सभी जिले स्तर पर भव्य कार्यक्रम होंगे। टीम भी गठित की गई है। मथुरा जनपद को 1000 रोगियों का टारगेट, जिसमें सभी अधिकारीगण अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला स्तरीय अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि सक्रिय रोगी खोज अभियान पूर्व चलाया गया था और जगह जगह पर कैंप लगाए गए थे और दोबारा से यह अभियान प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें टीबी रोग से भारत मुक्त हो सके। सर, आपके द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? हमारे यहाँ एक 24 मार्च जो कि वर्ल्ड टीबी डे होता है, उस दिन से शुरू होकर के 13 अप्रैल तक एक 3 हफ्ते का प्रोग्राम चलना है, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार किया जा रहा है। इसमें जो है पहले दिन विभिन्न जिला स्तर के अधिकारी हैं और जो एनजीओज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा जो क्षय रोगी हैं उनको एडॉप्ट किया जाएगा न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, जिसमें कि एक हर महीने के हिसाब से उनको कुछ हाई प्रोटीन की जो है डाइट, जैसे मूँगफली है, भुना हुआ चना है, इस तरह की चीज़ें रख करके सब मरीजों को दी जाएंगी। तो हर जनपद को अभी जो है 24 तारीख के लिए 1000 पेशेंट को एडॉप्ट करवाने का जो है टारगेट दिया गया है। इसके बाद एक प्रोग्राम CHO बेस्ड होगा, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जो लोग अपॉइंट हुए हमारे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, उनके द्वारा 3 हफ्ते में हफ्ते में एक बार एक कैंप लगाया जाएगा और आशाओं द्वारा घर घर भ्रमण किया जाएगा और मरीजों को मोबिलाइज किया जाएगा हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जहाँ पर उनके अगर वो सिम्प्टोमेटिक है तो उनके बलगम को लेकर के उसकी जांच कराई जाएगी और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट पे लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे CHO हैं वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, एडियरेंस, DBT आदि जो फंक्शन होते हैं उसको हमारे द्वारा जो है डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की थ्रू, जिससे कि वहाँ से उन टीबी के मरीजों को सर्विसेज मिल सकें। सर, जो 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आपके द्वारा अभियान चलाया जी, कितने मरीज ऐसे सामने आए हैं? जो हमारे यहाँ 9 तारीख से शुरू हुआ था 22 तारीख तक, उसमें परसों तक के जो डेटा है, 2 दिन का उसमें अभी इंक्लूड नहीं हुआ है क्योंकि सैंपल अभी टेस्ट नहीं हुए, उसमें 121 मरीज जो है पॉजिटिव मतलब निकल चुके हैं, जो कि ट्रीटमेंट जिनका स्टार्ट कर दिया गया है पूरे जनपद में। जी, पूरे जनपद में।